लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर को तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप $1 trillion की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसमें यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा, गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जाना जाएगा स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस दिन से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। आज इसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में विकास रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।